इचावर कांग्रेस के लीडर अभय मेहता ग्राम लोहा पठार पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इचावर ब्लॉक के लोहा पठार में 25 मई की रात्रि आग से चार मकान जलकर खाक हो गए थे। मकान के साथ एक 13 वर्षीय बालक और अनाज घरेलू सामग्री भी जलकर खाक हो गई। इसी को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदेश कांग्रेस समिति सचिव अभय मेहता सोमवार को लोहा पठार गाँव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से चर्चा की और गेहूं चावल कपड़े आदि वितरित किए। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद घटना हुई है, इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हैं। लोहा पठार में बटनलाल एक आदिवासी का परिवार है। इनके चार मकान, इनके बच्चे वगैरह के सबके मिला के परिवार के चार मकान थे और चारों मकान में आग लगने के कारण यहाँ पर एक 13 साल के बच्चे की भी डेथ हो गई इस मकान में। ये उस बच्चे को नहीं निकाल पाए। हमारे अलीपुर के जो गुलाब पटेल और कैलाश हैं, वो इनके रिश्तेदार हैं और इनने जब मुझे बताया कि साहब ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, तो फिर तुरंत हम साथियों ने, ब्लॉक अध्यक्ष जी ने, हरगोविंद सिंह जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के, इन सब ने ये निर्णय करा कि अपन चल के कम उन गरीबों के को सहानुभूतिपूर्वक कम से कम दो शब्द उनसे बात करें। फिर हमारा ये प्रयास रहा कि हमने इनको हमारी तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से एक एक परिवार को 50-50 किलो गेहूँ और 15-15 किलो चावल और बच्चों के कपड़े, बच्चियों के कपड़े, महिलाओं के कपड़े और पुरुषों के कपड़े, जो भी हमसे सहयोग बन सकता था वो करने का प्रयास किया है। और हमारा तो इसी में सभी प्रत्येक व्यक्ति से ये निवेदन है कि ऐसे हादसों में निश्चित रूप से मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए निश्चित रूप से इनको सहयोग करना चाहिए। मेरी तो प्रशासन से भी मांग है कि जो भी राशि इनको मकान बनाने में मुहैया कराई जा रही है, अगर वो राशि कम पड़ती है, इनके मकान अगर पूर्ण नहीं हो पाते हैं, तो इनकी राशि को बढ़ाया जाए और निश्चित रूप से वर्षा ऋतु के पहले पहले इनके मकान का निर्माण कराने के लिए अथक प्रयास प्रशासन स्तर पर भी किया जाए और इनके गांव के सहयोग से भी, और जो भी सहयोग की इनको आवश्यकता होगी वो मेरे को जब भी ये खबर भेजेंगे, मैं और इनको आवश्यकता के पूर्ति करने का प्रयास करूंगा कि इनको कम से कम दूसरी चीजें भी उपलब्ध करा सकूं। इचावर से EMS TV के लिए शिवराज सिंह राजपूत की रिपोर्ट।